हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ बच्चों को हिंदी से कैसे इंट्रोड्यूस करें, व्हाट आर द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो जब आप बच्चों को एक सेकंड लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं हिंदी के बारे में बात कर रही हूँ, बट द सेम थिंग्स आर एप्लीकेबल वेन एवर यू आर इंट्रोड्यूसिंग एनी सेकंड लैंग्वेज टू किड्स। यानी अगर आप कोई और स्टेट में रहते हो जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट नहीं है और सेकंड लैंग्वेज की तरह तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती जो भी सिखा रहे, यू कैन यूज प्रीटी मच द सेम स्टेप्स फॉर also. I'm going to make two parts of this video. इस पार्ट में मैं बात करने वाली हूँ क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हो, सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्या क्या चीजें कैसे सिखा सकते हो आप बच्चों को। सेकेंड पार्ट में आई विल शेयर सम रिसोर्सेज, यानी कि इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू यू नो हैव सम एक्टिविटीज या टूल्स विच कैन हेल्प किड्स इन रिवाइजिंग या लर्निंग या री इन्फोर्सिंग द सेम थिंग्स। सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो, जो कि एक या दो दिन में अपलोड होगा। हैविंग सेड दैट, लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। अब यूजुअली बच्चों को हिंदी या सेकेंड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया जाता है समवेयर अराउंड द टाइम जब वो लोग UKG में, यानी कि सीनियर KG में जाते हैं, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले वाला जो क्लास होता है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। हिंदी एज अ लैंग्वेज इज बोथ ईजी एंड डिफिकल्ट टू टीच योर किड्स फॉर द सिंपल रीजन। ईजी इसलिए क्योंकि इसमें इंग्लिश की तरह कॉम्प्लेक्स फोनिक्स रूल्स नहीं है। हर साउंड के लिए एक अलग यू नो अल्फाबेट या स्वर या व्यंजन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जो यू नो डायग्राफ्स और ब्लेंड्स और वो सब वाले कंसेप्ट्स इंग्लिश में होते हैं दे आर नॉट देयर। इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी बच्चों को वो सारे स्वर और व्यंजन आ जाए तो वो लोग फिर उसको बहुत ईजिली रीड कर सकते हैं। देर आर नो कॉम्प्लिकेशंस देर। इट इज़ डिफिकल्ट बिकॉज हम लोग आजकल के ज़माने में स्पोकन हिंदी थोड़ी घर पर कम हो जाती है, स्पेशली विथ प्रॉपर नाम, यानी चीज़ों के जो हम नाम बोलते हैं, खाने की चीज़ों के हो चाहे यू नो घर के अराउंड जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स है उनके नाम हो, वो सब हम लोग यूजुअली इंग्लिश में बोलते हैं। आप एप्पल कहोगे, सेब कम कहोगे, ग्रेप्स कहोगे, अंगूर इतना फ्रिक्वेंटली शायद यूज़ ना करो। तो उस वजह से बच्चों को बहुत सारे यू नो जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ के वर्ड्स होते हैं वो भी हिंदी में थोड़ा सा यू नो इतना फेमिलियरिटी नहीं आती इन मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स। आई एम नॉट सेइंग हर घर में ऐसा होता है। और दूसरा यू नो इंग्लिश इज समथिंग दैट देर एनकाउंटर एवरीवेयर इन देयर डे टू डे लाइफ ऑल्सो, यानी शॉप्स के नाम हो, चाहे होर्डिंग्स हो, बुक्स हो, न्यूज़ पेपर्स हो, एवरीथिंग इज देयर इन इंग्लिश। सो दे विल गेट अ चांस टू रीड या यू नो काइंड ऑफ उनकी जो फोटोग्राफिक मेमोरी है उसके थ्रू कहीं ना कहीं चीज़ें रजिस्टर होती रहेगी। विथ हिंदी हार्डली, यानी अगर आप बुक्स में इन्वेस्ट करते हो तो कुछ बुक्स होगी, या अगर आपके घर कोई हिंदी न्यूज़पेपर आ रहा है स्पेसिफिकली, देन प्रोबेबली दे विल एनकाउंटर रिटन फॉर्म ऑफ हिंदी और एनी सेकेंड लैंग्वेज, बट मोस्टली द रेशियो इज़ वेरी लेस नावडेज। तो उसकी वजह से इट बिकम्स अ लिटल मोर डिफिकल्ट टू गिव किड्स रियल लाइफ प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ हिंदी। और इस वजह से थोड़ी सी जो इनिशियल मेहनत लगती है हिंदी सिखाने में बच्चों को वो एक्स्ट्रा होती है कंपेयर टू यू नो इंग्लिश प्रोबेबली। नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद द स्टेप्स विच आई सजेस्ट यू टू फॉलो अगर आप बच्चों को हिंदी से इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो लाइक एनी लैंग्वेज द फर्स्ट स्टेप हैज़ टू बी टू इंट्रोड्यूस देम टू अल्फाबेट्स, यानी कि हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं उनसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करना इज द फर्स्ट स्टेप। बहुत सारी स्कूल अलग अलग मेथोडोलॉजीज यूज करती है, मेरा सजेशन है टू स्टार्ट विथ व्यंजन। व्यंजन यानी जो अल्फाबेट्स होते हैं क ख ग घ च छ झ झ। द रीज़न आई एम सेइंग दैट इज कि वो लोग सबसे पहले लाइक आई सेड इन रियल लाइफ एनकाउंटर करेंगे। आप छोटे छोटे वर्ड्स पढ़वाना भी शुरू कर सकते हो वंस दे स्टार्ट दैट। जो स्वर होते हैं यानी अ आ ई ई उ ऊ, उसका यूजेज इज डिपेंडेंट ऑन व्यंजन, यानी वो मात्रा के फॉर्म में जब आप व्यंजन में एक्चुअली यूटिलाइज करोगे तभी बच्चों को उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी समझ आएगी। तो पहले उनको स्वर सिखाना माइट नॉट बी द बेस्ट आइडिया क्योंकि वो लोग यू नो रिलेट नहीं कर पाएंगे, उनका रियल टाइम यूजेज नहीं देख पाएंगे, एंड देन उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उस चीज़ को रजिस्टर करने में। नाउ हाउ डू यू इंट्रोड्यूस व्यंजन जो है वो बच्चों को, अगेन देर आर टू मेथड्स जो कि इंग्लिश में भी यू नो नॉर्मल एक मेथड है कि आप ABCD जो भी ऑर्डर में अल्फाबेट्स आते हैं उससे बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या आप बच्चों को सबसे ईजीएस्ट अल्फाबेट से पहले इंट्रोड्यूस कर सकते हो, साउंड से कर सकते हो। वैसे ही हिंदी में भी आप या तो प्रॉपर ऑर्डर में जा सकते हो क ख ग घ च छ करके, या आप बच्चों को सबसे जो ईजीएस्ट फॉर्मेशंस है उनसे शुरू करवा सकते हो। वी फॉलो द सेकेंड मेथड, यानी कि जो ईजीएस्ट अक्षर है उससे हम लोगों ने शुरू किया। अथर की स्कूल भी सेम मेथड यूज़ करती है, सो वी लाइक टू फॉलो द एग्जैक्ट सेम मेथड ताकि अथर को कन्फ्यूजन ना हो। एंड क्योंकि कुछ कुछ लेटर्स होते हैं जैसे ख हो गया या यू नो छ हो गया क्ष हो गया, सो दोज आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो
इट्स अ गुड आइडिया कि वो बच्चों को बाद में आप इंट्रोड्यूस करो, फॉर द सिंपल रीजन के शायद आइडेंटिफाई करना सीख जाए, लेकिन फॉर्मेशन नहीं सीखेंगे तो आपको यू नो दो बार हर चीज़ करवानी पड़ेगी। अगर आप इजी इजी अल्फाबेट से शुरू करोगे, जैसे क हो गया जिसका फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन बोथ इज ईजी, देन किड्स कैन एक्चुअली स्टार्ट यू नो राइटिंग ऑल्सो अलॉन्ग विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ ईच लेटर। इंग्लिश के साथ हम सबके पास ये प्रिविलेज था कि अगर आपने काफ़ी पहले से शुरू किया, यानी बच्चे अराउंड 2 ईयर्स के होते तब से अगर आपने शुरू किया है तो यू गेट अ गुड 2 ईयर्स जहाँ आप बच्चों को धीरे धीरे करके पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर फॉर्मेशन, फिर राइटिंग, फिर साउंड ऐसे सिखा सकते हो। विद हिंदी बिकॉज वो इंट्रोड्यूस ही इस स्टेज पे हो रहा है, यू माइट नॉट हैव द लग्जरी कि आप यू नो हर चीज़ अलग अलग स्प्रेड आउट करके सिखाओ। तो इट्स अ गुड आइडिया कि अगर आप इस तरह से सिखाओगे जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ, ईजी अक्षरों से शुरू करके, तो आप दोनों चीज़ें बच्चों को साथ में सिखा सकते हो एंड यू विल यू नो बी एबल टू डू इट मोर क्विकर। हैविंग सेड दैट, अगर आपके बच्चों की स्कूल्स फॉलो कर रही है प्रॉपर ऑर्डर में जाना, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि स्कूल्स जो करिए वो करिए ताकि बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर आप उस ऑर्डर को फॉलो करना चाहते हो तो उसके लिए का बेस्ट आइडिया है कि टेक 2 अक्षर या 2 अल्फाबेट्स एट द सेम टाइम, क्योंकि हिंदी में मोस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स जो साथ साथ में आते हैं उनके साउंड्स भी क्वाइट सिमिलर होते हैं, यानी क ख ग घ च छ। तो आप दो दो के पेयर्स बना के बच्चों को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर सकते हो, तो इट विल बी इजियर फॉर किड्स टू रिकलेक्ट। आप बता सकते हो कि एक साउंड है वो नॉर्मल है और एक तुम्हारा गला खराब है तब जो साउंड होता है वो है क ख ग घ। सो उस तरह से यू कैन इंट्रोड्यूस इट टू द किड्स। नाउ व्हेन आई से इंट्रोड्यूस, इट डेफिनेटली मीन्स कि आपको मल्टीपल एक्टिविटीज़ के थ्रू इंट्रोड्यूस करना होगा बच्चों को फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट एंड टू मेक इट अ लिटल फन ऑल्सो फॉर देम। तो आई लाइक टू फॉलो द सेम मेथड जो हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट्स के लिए फॉलो करते थे। अगर आपने मेरा डेली लर्निंग सीरीज देखा है या मेरा पहला पैक लिया हुआ है जो फर्स्ट लर्निंग पैक था, तो यू नो हाउ हम लोगों ने हर अल्फाबेट का एक पेज रखा था, उसमें देयर वर मल्टीपल एक्टिविटीज़ फॉर दैट पर्टिकुलर अल्फाबेट, ताकि वो मल्टीपल एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों के दिमाग में रजिस्टर हो। सो यू नीड टू डू द सेम थिंग फॉर हिंदी ऑल्सो। तो इसके लिए यूजुअली मैं 3 स्टेप्स सजेस्ट करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है आपको एक अल्फ़ाबेट का बड़ा सा पेज पे यू नो फॉर्मेशन बनाना है, आइडियली ऐसे आउटलाइन वाला फॉर्मेशन, ताकि इसके अंदर आप बच्चों को कुछ करवा पाओ। सबसे पहली चीज़ जो करवा सकते हो वो है बच्चों को टैक्टाइल एक्टिविटी करवा सकते हो, यानी कलर वाली फिंगर करके यू नो इस फॉर्मेशन को फॉलो करना, ताकि बच्चों के दिमाग में रजिस्टर हो। द सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू विद दिस इज आप हर अक्षर का एक गाना या यू नो एक छोटा सा राइमिंग कुछ चीज़ बना सकते हो जिससे बच्चे आइडेंटिफाई कर सके। इफ़ आई हैव टू गिव अ सिंपल एग्जांपल, तो ये च है, तो च का आप देखोगे तो आगे का फॉर्मेशन लुक्स लाइक चोंच विच इज़ लाइक द बीक एंड इट ऑल्सो स्टार्ट्स विथ च। तो आप एक्चुअली बच्चों को सिखा सकते हो कि ये है च, च की होती है चोंच जो कि एक डंडे पे लगी हुई है एंड ऊपर एक छत बनी होती है, एंड दैट्स हाउ च इज मेड। सिमिलरली क जो है, तो क में एक सीधा डंडा होता है, उसकी मोटी पतली कमर होती है एंड उसके ऊपर एक छत होती है, तो कमर अगेन स्टार्ट्स विथ क एंड क। तो आप अपने एंड पे ऐसा कुछ बना सकते हो। बस आई स्कूल ऐसे सॉन्ग्स यूज करती है, तो इफ दे आर डूइंग इट तो यू कैन यूज द सेम सॉन्ग्स फॉर किड्स। तो इससे अगेन बच्चों के दिमाग में फॉर्मेशन थोड़े अच्छे तरीके से रजिस्टर होगा। जैसे न है तो न का आकार नल जैसा होता है, यू नो उसमें से पानी टपक रहा है, तो यू कैन मेक समथिंग अराउंड दैट। यू कैन सो अथर भी सेइंग नथनी भी कह सकते हो आप उसको, इट्स एक्चुअली आगे नथनी लगा दी हो वैसी भी वैसा सा भी लुक आता है। सो यू कैन यूज समथिंग लाइक दैट। ये नथनी वाला जो है वो उसकी स्कूल में यूज किया जाता है, दैट्स वाई ही सेइंग एंड ही स्टिल रिमेंबर्स इट। सो या आप इस तरह का कोई सॉन्ग यूज कर सकते हो, या आप छोटी सी स्टोरी बना सकते हो। जैसे हमने इंग्लिश अल्फाबेट की हर अल्फाबेट की एक स्टोरी रखी थी टू यू नो मेक देम रिकलेक्ट द साउंड्स। सो सिमिलरली यू कैन मेक स्मॉल स्मॉल स्टोरीज अराउंड दैट ऑल्सो। एक बार बेसिक आइडेंटिफिकेशन बच्चों को आ जाता है, इसमें आप अलग अलग एक्टिविटीज भी करवा सकते हो। जैसे च है तो च से चांद होता है, तो यू कैन एक्चुअली मेक देम मेक छोटे छोटे चांद इसके अंदर। ब से बिंदी होती है, तो ब के अंदर आप बिंदी चिपकाने को बोलो। स से सितारे होते हैं, तो उसमें आप स्टार्स चिपकाने को बोलो। तो उससे क्या है कि उस अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी बच्चों को आएंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन टीच देम आइडेंटिफिकेशन एंड बेसिक फॉर्मेशन। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, हम जैसे इंग्लिश में एक्टिविटीज़ यूज़ करते थे बिंगो, सो यू कैन यूज़ एक्टिविटीज़ लाइक दैट कि आपने ग्रेड बना दी, बहुत सारे अक्षर लिख दिए, उसमें जो भी आप अक्षर सिखा रहे हो बच्चों को वो भी लिख दिया, एंड बच्चों को जहाँ जहाँ वो है वो हाईलाइट करना है।
उसी के साथ आप बच्चों को एटलीस्ट 3 या 4 वर्ड जो उससे शुरू होते हैं वो बनवाइए, उसकी ड्राइंग बनवाइए, उसको पेंटिंग करवाइए, सो दैट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग देयर वोकैबुलरी इन हिंदी ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम बच्चों को याद भी आसानी से रहेगा. सो आइडियली माई सजेशन इज कि मैक्सिमम ऑफ 2 हिंदी अल्फाबेट्स इन अ वीक, एंड ऐसे करके अगर आप करोगे तो आराम से 3-4 महीने में आप उनका पूरा जो व्यंजन वाला सेट है वो कवर कर लोगे. इट इज ऑल्सो गुड आइडिया कि एक बार आप बच्चों को कुछ अक्षर सिखा दो तो सिर्फ उन्हीं अक्षर की मदद से भी बहुत सारे शब्द बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे क म ल हो गया या घर हो गया या नल हो गया, यू नो, जिसमें कोई मात्राएं नहीं है. तो आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा वो रीडिंग भी शुरू करवाइए, उसके लिए भी यू कैन यूज अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज. मैंने सोचा था कि आई विल मेक अ हिंदी पैक एंड आई हैड स्टार्टेड मेकिंग इट ऑल्सो, लेकिन क्योंकि अभी आई हैव सो मच ऑन माई प्लेट, मैं बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रही हूँ, आई रियली वॉन्टेड टू बी श्योर कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है तो ही मैं एफर्ट डालूँ. आई डिडंट गेट टू मेनी रिप्लाइज, यानी आई कीप ऑन गेटिंग 1-on-1 DMs, लेकिन मैंने जो पोस्ट डाला था उस पर आई डिड नॉट गेट, लाइक आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर 100 लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं ओनली देन विल आई मेक इट, बिकॉज आई नो कि हिंदी पूरे इंडिया में यूज़ नहीं होती है एंड कहीं कहीं हो सकता है स्कूल में भी इंट्रोड्यूस ना हुई हो. But I didn't get too many of them, so I dropped the idea. If you still think it makes sense, so please, नीचे comment section में बताइए. You have to tell me explicitly for me to spare that time and make that effort. Another important thing is कि आप बच्चों को जब व्यंजन सिखा रहे हो उसके साथ साथ parallelly it's a good idea to also start working on their vocabulary. तो like I said, one way to work on their vocabulary is कि हर अक्षर सिखाते time उससे शुरू होने वाले आप कुछ शब्द सिखाओ, उनके pictures दिखाओ, उनके pictures draw करवाओ. Another way is के घर में जो जो चीज़ें like I said, the proper nouns that we use, जहाँ पे हम लोग शायद colors for example, we don't use हिंदी color के नाम बहुत frequently, यानी लाल पीला ये सब use कर लिया, लेकिन brown को भूरा कहते हैं या you know white को सफ़ेद कहते हैं, usually we end up using जो normal, या pink को गुलाबी कहते हैं, वो ज़्यादा हम लोग frequently use नहीं करते. So just make a list of those 5-7 things जो हम लोग English में भी बच्चों को initial point पे introduce करते हैं, like birds हो गए, animals हो गए, vegetables, fruits, colors, vehicles, you know things like that जो day to day life में वो लोग encounter करते हैं. And then start introducing them to the Hindi names of each one of them. इसमें भी आप बहुत सारी activities include कर सकते हो, things like treasure hunt. For example, अगर मैं कहती हूँ अर्थर को कि अब हम हिंदी के कलर्स रिवाइज करने वाले हैं, देन आई विल टेल हिम कि चलो घर में पीले कलर की कोई भी 2 चीज़ें हैं वो लेके आओ. सो देन ही विल रिमेंबर कि पीला इज येलो, एंड इफ इवन इफ ही डजेंट रिमेंबर, इवन इफ ही नीड्स हेल्प फ्रॉम मी टू रिमेंबर कि मम्मी पीला यानी कौन सा होता है, इफ आई टेल हिम येलो द नेक्स्ट टाइम ही विल रिमेंबर, क्योंकि उसने एक एक्टिविटी की है उसके अराउंड. सिमिलरली आप अगेन यू कैन यू नो प्रोबेबली मेक अ पिक्चर और समथिंग एंड यू कैन टेल हिम कि इसमें जहाँ जहाँ तुमको राउंड दिख रहा है वहाँ पीला कलर करो. सो अगेन दिस इज समथिंग विच विल हेल्प हिम इन री इन्फोर्सिंग के पीला कौन सा कलर होता है. सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर एवरीथिंग, यानी फ्रूट्स के लिए आप कर सकते हो कि यू नो फ्रिज में से लेके आओ सेब या अनार लेके आओ, या आप जो भी खा रहे हो आप बता सकते हो इसको, या रिवाइज करवा सकते हो कि इसको क्या कहते हैं. वैन यू गो टू द मार्केट यू कैन डू द सेम थिंग. सो या दिस आर सम रियल लाइफ एक्टिविटीज जो आप बच्चों के साथ कर सकते हो एंड दैट विल हेल्प देम इन रिमेंबरिंग, क्योंकि वरना हिंदी के साथ बहुत ही ये चीज़ ट्रिकी हो जाती है कि आप सिखाओगे बच्चे याद भी रख लेंगे तो बच्चे भूल जाएंगे, क्योंकि बार बार वो यूज करने को नहीं मिल रहा है उनको. स्कूल में भी लोग इंग्लिश में बोलेंगे, बाहर भी लोग इंग्लिश में बोल रहे होंगे, सो इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू फॉरगेट बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग इट फ्रीक्वेंटली. सो एक्टिविटीज लाइक दिस रियली हेल्प. और उसके साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट है टू इंट्रोड्यूस देम टू प्रॉपर स्पोकन हिंदी. तो इसके लिए अगेन आप 3-4 चीज़ें कर सकते हो. एक, आप बच्चों के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हो जहाँ छोटे छोटी चीज़ों पे उनको हिंदी में 3-4 लाइन बोलनी है, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी अपने आप के बारे में 4 लाइन बताओ. तो फिर वो बोल रहा है कि मेरा नाम अथर्व है, मैं एक लड़का हूँ, मुझे खेलना अच्छा लगता है, मुझे अनार खाना अच्छा लगता है. तो यू नो ही इज़ एंड ट्राई टू मेक श्योर के सारे ही वर्ड्स वो लोग हिंदी में बोल रहे हो उसमें, तो उससे उनकी वोकेबुलरी बढ़ेगी, कम्फर्ट विद स्पीकिंग हिंदी बढ़ेगा. एंड एट द सेम टाइम घर पे आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस, इवन इफ वी टॉक टू देम थोड़ा बहुत इन इंग्लिश, वी ऑल्सो यूज़ हिंदी. तो ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट इन दिस इनिशियल पार्ट आप वो यूजेज थोड़ा सा बढ़ा दो ताकि बच्चों की फेमिलियरिटी बढ़े विद द लैंग्वेज. अनदर थिंग विच यू कैन डू इज़ यू कैन बाई बुक्स इन हिंदी. बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरी बुक्स आती है हिंदी में. तो फॉर एग्जाम्पल ये है एक हिंदी बुक जो हमारे पास, मोर पंख के आँख कैसे. तो यू नो ऐसी छोटी छोटी बुक्स आप ला सकते हो, यानी बहुत एलाबरेट बुक्स मत लाइए. देर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ बाइलिंगुअल बुक्स. अगेन आई हैव अ फ्यू. ये है एक द बर्डी पोस्ट,
यानी कि पंछी पोस्ट। हर पेज पे इंग्लिश में सेम चीज लिखी गई है और बाजू में उसी चीज का हिंदी ट्रांसलेशन दिया गया, तो यू कैन रीड दिस आउट एंड देन रीड दिस आउट, तो बच्चे रिलेट भी कर पाएंगे, इसमें से नए वर्ड्स पिकअप करेंगे। दिस ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि क्योंकि हम लोग भी वी हैव गॉटन सो यूज टू टॉकिंग इन इंग्लिश या यू नो सम अदर लैंग्वेज, कि हम लोग भी हिंदी के कुछ कुछ वर्ड्स भूल गए होते हैं। एंड स्पेसिफिकली ऐसा भी हो सकता है कि यू नो यू एक्चुअली बिलोंग टू अनदर स्टेट वेयर हिंदी इज नॉट अ प्राइमरी लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गुजराती, तो हमारे वहाँ हिंदी वॉज नॉट अ प्राइमरी लैंग्वेज। इनफैक्ट मैं हिंदी आई थिंक फोर्थ स्टैंडर्ड से सेवन्थ स्टैंडर्ड यानी तीन ही साल एक्चुअली स्कूल में सीखी है इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, या मैक्सिमम पाँच सीखी होगी। तो बहुत सारे वर्ड्स और ग्रामेटिकल चीज़ें होती है जो मुझे नहीं पता होती। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव टू से, मुझे नहीं पता था कि बीटरूट को हिंदी में क्या कहते हैं। थैंकफुली आई एम मैरिड टू अ हिंदी स्पीकिंग गाय, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये सारे वर्ड्स पिकअप किए हैं कि चुकंदर कहते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। बट बहुत सारे लोगों के पास वो प्रिविलेज नहीं होता है। बोथ ऑफ यू एज पेरेंट्स माइट नॉट बी यू नो फ्रॉम अ हिंदी स्पीकिंग स्टेट, बट अब आप लोग नौकरी की वजह से या किसी वजह से शिफ्ट हो गए हो इन अ हिंदी स्पीकिंग स्टेट जहाँ आपके बच्चों को हिंदी सीखना ज़रूरी है। सो फॉर थिंग्स लाइक दैट एज पेरेंट्स आपको भी थोड़ा गाइडेंस चाहिए होता है, तो देन यू नो बुक्स लाइक दिस रियली हेल्प। तो यार ये थी वो सारी चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहती थी इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स जो आप ले सकते हो टू इंट्रोड्यूस हिंदी एज अ लैंग्वेज। आई थिंक पूरा साल आपका स्वर व्यंजन और वर्ड सिखाने में ही जाएगा, दैट्स हाउ स्कूल्स ऑल्सो प्रोसीड। सो टेक योर टाइम, लेकिन स्टार्ट प्रॉपरली एंड स्पेंड इनफ टाइम हर लेटर पे लाइक आई सेड, सो दैट विल रियली हेल्प योर किड्स टू रिमेंबर इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इन माई नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ बुक्स एंड अदर टूल्स जो आप यूज़ कर सकते हो अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाने के लिए। सो या वॉच आउट फॉर दैट वीडियो। टिल दैट इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड अगर वर्कशीट सेट चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा मुझे, आई विल स्टिल रिकन्सिडर इट। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।